वेलकम टू शुभाना यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन पकौड़ा कड़ी। चिकन पकौड़ा कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्वार्टर कप ऑयल में एक छोटे साइज की प्याज लेंगे, जिसमें से हाफ को हम पेस्ट की शक्ल में कर लेंगे और हाफ को हम बारीक चॉप कर लेंगे। एक स्पून इसमें जाएगा अदरक का पेस्ट और एक स्पून जाएगा इसमें लहसुन का पेस्ट। अब हम इनको थोड़ा सा पिंक होने तक फ्राई करेंगे। प्याज जब लाइट से गोल्डन हो गई, अब इसमें पानी का छींटा दिया है। अब हम इसमें ये स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें दो गोल वाली सुरह मिर्चें हैं, एक तेज़पात का पत्ता है, कड़ी पत्ते खुश हैं हाफ स्पून, एक पिंच है इसमें कसूरी मेथी, एक बड़ी काली इलायची और एक हरी इलायची इसमें शामिल करेंगे। खड़े मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें पिसे हुए मसाले डालेंगे, जिसमें है 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई दादर मिर्ची, 1/2 टेबल स्पून है इसमें जीरा साबुत, 1/4 टीस्पून है पिसा हुआ काला जीरा, 1/2 टेबल स्पून है खुश धनिया पाउडर और 1/2 स्पून है इसमें हल्दी पाउडर। अब हम इसमें तमाम ड्राई पिसे हुए पाउडर फॉर्म के मसाले भी शामिल कर देंगे। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने ली है 3 पाव दही, उसमें हमने डाला है 1 कप बेसन और 1.5 लीटर पानी। इन तीनों चीज़ों को ब्लेंडर में हमने डाल के अच्छे से उनको ग्राइंड कर लिया है, ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। अब ये हम उसमें ऐड कर देंगे। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने में तकरीबन 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा तक इसको हम आप बकते बकते से चम्मच हिलाते रहेंगे और इसको पकाते रहेंगे। अगर आपको लगे कि ये गाढ़ा हो रहा है, तो इसमें मज़ीद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको तकरीबन 1 घंटे तक पकाएंगे। दूसरी जानिब हम पकौड़े का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। तकरीबन 10 मिनट मीडियम आंच पे पकाते हुए कड़ी में इस तरह से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। अब हम फ्लेम को लो करके वक्तन फक्तन इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे और इसको पकने देते हैं। अगर इस फॉर्म पे आपको कड़ी गाढ़ी लगे, तो आप पानी डाल के इसको थोड़ा मज़ीद पतला करें, क्योंकि अभी इसको मज़ीद पकना है, ताकि बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। पकौड़ों का मिक्सचर रेडी कर लेंगे। सबसे पहले 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए हम लेंगे आलू, इनको बाउल में शामिल करेंगे। ये 1/2 kg से भी कम आलू हैं। अब हम इसमें 1 कटी हुई प्याज शामिल करेंगे, 1 कटी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे, 3 स्पून हरा धनिया शामिल करेंगे। ये 1/2 कप है चिकन, इसको नमक और काली मिर्च और एक मोटी काली इलायची डाल के मैंने इसको 10 मिनट वेट करवा लिया था, उसके बाद इसको शेड फॉर्म में कर लिया, वो शामिल करेंगे। अब हम इसमें बेसन शामिल करेंगे 1.5 कप और इसको हम अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको रेडी कर लेंगे। मिक्सचर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको 5 मिनट रेस्ट देंगे। पकौड़ों को 5 मिनट का रेस्ट हो गया है। अब हम कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालेंगे और पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। दूसरी जानिब हमारी कड़ी भी रेडी है। कढ़ाई में पकौड़े मैंने हाथ की मदद से डाले हैं। इन पकौड़ों में मीठा सोडा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको दोनों साइडों से फ्राई करेंगे। और इसको एकदम से हम पलटेंगे नहीं, पहले एक साइड को 2 से 3 मिनट फ्राई होने देंगे। उसके बाद जब ये ऑयल से ऊपर की सतह पे आ जाए, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। आफ्टर 3 मिनट्स आप देखिए हल्का सा इनको हिलाने से तमाम पकौड़े अलग हो जाते हैं। इस पोजिशन में हम इन पकौड़ों की साइड को चेंज कर लेते हैं। तमाम पकौड़ों की साइड चेंज करने के बाद इस साइड से भी हम इसको 2 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। हमारी करी रेडी है, इसमें ऑयल सर्व होना शुरू हो गया है। अब हम इसके फ्लेम को बंद कर देंगे। दूसरी जानिब हमारे पकौड़े फ्राई हो गए हैं, अब हम इसको डिश में निकाल लेंगे। पकौड़ों को हम डायरेक्ट कड़ी में नहीं डालेंगे, पहले एक सिंपल प्लेट में निकालेंगे। 1-2 मिनट के रेस्ट के बाद अब हम इसको रेडी की हुई कड़ी में शामिल कर देंगे। इसी तरह बाकी मिक्सचर के भी हम पकौड़े बना लेंगे। फ्राई किए हुए पकौड़ों को हम इसको इसमें डिप कर देंगे। हमारे बाकी पकौड़े भी फ्राई हो गए, इनको भी डिश में पहले निकालेंगे। बाकी पकौड़ों को भी 1-2 मिनट रेस्ट देंगे, इनको भी अब हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इनका बघार रेडी करेंगे।
बघार रेडी करने के लिए फ्राइंग पैन में हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेंगे और उसमें थोड़ा सा कटा हुआ बारीक प्याज शामिल करेंगे और इसको लाइट गोल्डन होने देंगे। प्याज के लाइटर गोल्डन शेड आने पे एक पिंच हम इसमें जीरा शामिल करेंगे और अब ये बघार हम कड़ी के ऊपर लगा देंगे। बघार लगाने के बाद अब इस पर हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। सो व्यूअर्स, दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ अवर चिकन कड़ी पकौड़ा सालन। उम्मीद करती हूँ आज की आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इस पर थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल करें और इसको डिश आउट करें और खाएं मज़े से। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।